झारखंड के जनपद सिमडेगा में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देकर बताया कि सिमडेगा थाना जिला सिमडेगा क्षेत्र के फुल जेम्स कल्लू पिता स्वर्गीय जुनास कल्लू के आवेदन के आधार पर एएसटीयू थाना कांड संख्या 2/2020 दिनांक 20 फरवरी 2020 धारा 363/370/34 भादवी 75/81 JJA के अंतर्गत वंदना डांग के विरुद्ध दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वादी की नाबालिग बेटी को हैदराबाद में नौकरी दिलाने झांसा देकर तस्करी करने के आरोप में अंकित किया। तत्पश्चात पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस निरीक्षक रवि प्रकाश राम के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त वंदना डांग की निशानदेही पर हैदराबाद, बेंगलुरु एवं अन्य विभिन्न स्थानों पर फुल जेम्स कल्लू की पुत्री के अलावा 10 अन्य बच्चे बच्चियों को बरामद किया एवं कांड संख्या 3/2020 दिनांक 8 मार्च 2020 धारा 363/370 334 भादवी एवं 75/81 JJA के अनुसंधान में दो नाबालिग बच्चियों को कोलेविरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड से रेस्क्यू किया गया। कुल 13 बच्चे बच्चियों को बरामद किया गया। इस अभियान में HSTU थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, विजेंद्र भाटी, सत्येंद्र कुमार सिंह, सत्यनारायण कुमार जुलियानी एवं ST थाना के नीलम टेडे शामिल थे। मिला था कि दो बच्ची को यहां से ट्रैफिक किया जा रहा है। इस संदर्भ में हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो पता चला कि एक वंदना डांग नाम की लेडी है, उसके द्वारा कुछ बच्चों को यहाँ से ट्रैफिक किया गया हैदराबाद। हम लोग हैदराबाद एक टीम भेजे थे इंस्पेक्टर रवि के नेतृत्व में, और उसमें एक हमारे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर विजेता और हमारे एक ASI ये लोग गए थे, और इनके साथ कुछ हमारे कॉन्स्टेबल्स भी गए थे। वहाँ जा कर के हम लोगों ने वो सभी इलाका जिस इलाके में इन लोगों ने बच्चों को दिया था, जो इनकी एजेंसी काम की थी, वहाँ प्रॉपरली रेड हुआ, छापामारी हुई, और हर एक जगह से हम लोग कुल मिला करके ये टीम आज 13 बच्चों को उठा कर लाई है, मतलब 13 बच्चों को रेस्क्यू करके लाई है। तो जिसमें कुछ बच्चे हम लोग वहाँ के रिमांड होम से भी मिला है, 4 बच्चे वहाँ से मिला, 7 बच्चों को हम लोगों ने अलग अलग जगह से रेस्क्यू किया है, 2 बच्चों को हम लोगों ने बेंगलोर से रेस्क्यू किया है। तो 13 बच्चों को ये टीम लेकर के आई है, बहुत ही सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया है। और बस ये मैसेज देने के लिए हम लोगों ने मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ कि जो भी ट्रैफिकर्स हैं उनके द्वारा जितने भी बच्चे पहले भी भेजे गए हैं, हम लोगों की नज़र सब पर है, और पहले जो भी बच्चे इस इलाके से ट्रैफिक हुए हैं उनको हम लोगों का फ़र्ज बनता है कि उनको हम लोग वहाँ से रेस्क्यू करके लाएंगे, और उन सारे बच्चों को जो इस इलाके से बाहर काम कर रहे हैं उनको हम लोग वापस ला करके उनके घर में सौंपने का कोशिश कर रहे हैं। मानो उसमें जो एक नेसल डांग जिसको कुछ दिनों पहले आजीवन कारावास की सजा हुई है, उसकी पत्नी ने वो कारोबार संभाल लिया था, वो वंदना डांग है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, उसको भी हम लोग यही भेजेंगे। अखंड भारत न्यूज़ के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा। झारखंड के जनपद सिमडेगा के बानो प्रखंड के कोने सोदे पंचायत में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया सुशील मुंडा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत सचिव गजेश्वर सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में लोगों को पोषण के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि हरा साग सब्जी का प्रयोग करें, दूध टमाटर वही गाजर का सेवन करने को कहा गया। बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए जानकारी दी गई। इस अवसर पर तुरुन मुंडू, सुरसेन सुरेन, फुलकेरिया मुंडा, लिलियानी कुंडलाना, मेरी मेजा लकड़ा, बसंती देवी के सोई कोन सौदे के आंगनवाड़ी सेविका सहायिका व अन्य लोग उपस्थित थे। इधर उत्तर माध्यमिक विद्यालय महाबुआंग में फाइलेरिया के बारे में जानकारी वसंत कोन गाड़ी ने दी। विद्यालय में जानकारी देते हुए उन्होंने रोग लक्षण और रोग होने की क्या सावधानी बरते उस संबंध में जानकारी दी। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाई की रिपोर्ट, सिमडेगा।